हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसा स्नैक आइटम जो कैफ़े में या स्ट्रीट साइड फूड जॉइंट में बहुत आसानी से मिलता है और हर किसी को बहुत पसंद भी आता है। आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक चीज़ टोस्ट। इसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। आइए शुरू करते हैं हम आज अपना स्ट्रीट साइड फूड बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच बटर, 2 छोटे चम्मच लहसुन क्रश किया हुआ, आप चाहें तो छोटा चॉप भी कर सकते हैं, 2 छोटे चम्मच कॉर्न कर्नल्स हैं, इसको बॉईल करके रखा है मैंने, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 छोटे चम्मच हरी धनिया, 2 छोटे चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा नमक, ओरिगैनो सीजनिंग और थोड़े चिली फ्लेक्स। साथ में लिया है मैंने मोज़रेला चीज़ 100 ग्राम। आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। चिली टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर में गार्लिक और थोड़ा ओरिगैनो सीजनिंग को मिक्स करेंगे। और बटर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, अगर आपके पास जो बटर है वो थोड़ा हार्ड है तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए या फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए, वो अपने आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें हमें अच्छे से गार्लिक और ओरिगैनो को मिक्स करना है। अब हम इस बटर को ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का दोनों साइड हमको ब्रेड पे ये बटर को स्प्रेड करना है। ये मैंने ब्रेड के दोनों साइड्स में बटर लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ कितना ज़्यादा या कम ग्रेट करना है ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत चीज़ी बनाना है तो आप ज़्यादा चीज़ ग्रेट कर दीजिए। इस पे डाल रही हूँ मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े शिमला मिर्च, थोड़े कॉर्न, आप चाहें तो इसमें और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप पनीर, मशरूम्स, कैरेट्स, अनियन, बहुत वेरिएशन है वेजीज़ के जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में डाली मैंने थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी बारीक कटी हरी धनिया, अब थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया और ऊपर से हम थोड़ा सा ओरिगैनो सीजनिंग और स्प्रिंकल करेंगे। और लास्टली हम इसमें ऊपर से फिर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देते हैं ताकि ये ऊपर से चीज़ मेल्ट हो करके बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। तवा गर्म था, मैंने उस पर इसको रख दिया है। हम इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ताकि ये चीज़ पूरी तरह मेल्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तवा बहुत गर्म ना हो क्योंकि हमें ब्रेड को नीचे से जलाना नहीं है। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गया है और हमारा चिली टोस्ट रेडी है। इसको निकाल लेती हूँ मैं। इसको कट करिए और आप अपने पसंद के सॉस या डिप के साथ सर्व करिए और एंजॉय करिए। ये कट कर लिया है मैंने, देखिए तैयार है हमारा चिली गार्लिक चीज़ टोस्ट। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।